हम लोग आपका बंद कॉल डिक्लेयर किया था एपीसीएस पेस्को को लेके, स्कैम एई पेपर लीकेज को लेके, और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे है कि हम लोग इस इशू को लेके सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ, ऑनरेबल सीएम का साथ 2 बार हुआ, गवर्नर का साथ हुआ, हम मिनिस्टर का साथ हुआ। तो इसमें ऐसे कि हम लोग का जितना भी पॉइंट था उसको सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इंटरवेंशन से और गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इंटरवेंशन से हम लोग का जितना भी इशू को रिजोल्व कर दिया, ये है। आप लोग जब बंद कॉल जो किया था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग यहाँ में अरुणाचल प्रेस क्लब में इसलिए ही आया था कि कॉल ऑफ को डिक्लेयर करने, ये बंद कॉल को कॉल ऑफ करने के लिए। अभी से कॉल ऑफ नहीं होगा। इसमें जो आपका प्रेस ब्रीफिंग हम लोग किया है कि रीजन्स को भी दिया, अगर आप लोग रीजन्स को जानना चाहेगा तो हम लोग बताएगा, बता दीजिए। रीजन ऐसे है कि हम लोग का जो ये था कि आपका इसमें सिर्फ जनरलाइज में हम 2 पॉइंट ही बोलेगा। जनरलाइज में ये था कि कंप्लीट आपका ये जो रिमूवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन था आपका, उसमें था मेंबर्स और इसका बात चेयरमैन आपका मोरल ग्राउंड में रिजाइन दे दिया, 3 मेंबर रिजाइन दे दिया, आपका मेजर जरकन गमलिन रिजाइन दे दिया, मेजर गणेश सिंह बिस्त रिजाइन दे दिया, इसका बात नक्संग सिंह रिजाइन दे दिया, और इसमें ये था कि आपका तादर मेपुंग वागे नहीं हुआ है। इसका भी ऐसे कि तादर मेपुंग वागे को नहीं करने से भी अरुणाचल प्रदेश का सरकार अंदर माने लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने उसको कैबिनेट सीटिंग करके रिमूवल के लिए गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ले लिया, दे दिया, और वो रिकमेंडेशन लेने का बाद तो आपका इसमें चला जाएगा, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जाएगा, ये है। और दूसरा जो इसका डाउन द लाइन में बोलने से आपका जितना भी सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जितना भी स्टेक होल्डर्स है, 16 नंबर जैसे आपका ये आपका सस्पेंशन कर दिया। सस्पेंशन में ऐसे है कि आदमी टर्मिनेशन का मांग कर रहा था, टर्मिनेशन हम लोग नो डाउट हम लोग भी टर्मिनेशन का मांग किया है। तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के लिए पहला स्टेप भी होता है सस्पेंशन, और सस्पेंशन होने के बाद आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, इसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी खत्म होने का साथ साथ हम लोग एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है, जैसे आपका कप्तरिंगू को आज हम लोग का चलते एग्जाम्पलरी जो आपको डिसमिस करना है, टर्मिनेट करना है बोल के किया, ऐसे ही हम लोग आउटकम का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग को उसको एश्योरेंस में हम लोग को लिख के दिया। दूसरा इसमें ऐसे था कि आपका पीर आदमी का जो 2014 और 2017 को लेके, अभी जो हाल ही में यही पेपर लीकेज को लेके, ये दोनों इंस्टांस 14 और 17 का लेके कभी ये लोग को ट्रोली प्रॉपर वे में आपका कॉम्प्रिहेंसिव आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है बोला है। इस चीज़ को अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सर को हम लोग रिक्वेस्ट किया, अल्टीमेटम हम लोग को ग्रीवेंसेस को रखा, वो एडमिट करके आज का माइन्यूट में हम लोग को लिख के दिया है कि ये जो सीबीआई जो इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन जो होगा, वो यही पेपर लीकेज का सिर्फ नहीं होगा। हम लोग को इन रिटर्न फॉर्म में दिया है 2017-14, और इनफैक्ट 2014 और 17 का भी रिजल्ट भी मिल गया। 5 आदमी को उस टाइम में जो बातें कोई था, नीमा तुनरंग था आपका, देवनेश देवशीष रोहित था, इसके बाद सौरभ भट्टाचार्य जी, ये सबको भी सस्पेंड कर दिया आर्टिकल 371H को इन्वोक करके, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन को इन्वोक करके ये लोग को सस्पेंड कर दिया। और 2017 का बोलने से आपका मिनोती बोरंगसारो को अभी ये अरेस्ट कर लिया, इसके बाद ओपेट मीवांग बोल के जो ये था उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए ओवरऑल बोल रहा है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो सरकार का एटीट्यूड, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नंबर्स ऑफ स्कीम्स को लेके जो एटीट्यूड है पॉजिटिव लगाए, और हम लोग को इन राइटिंग भी लिख के दिया, इसलिए हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं।